हाय दोस्तों, जय भी टेक्टोसा में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। तो हमने एक वीडियो डाला था थर्मोस्टेट वाल पे, महिंद्रा का वीडियो बनाया था दोस्तों। तो उसमें बताया था कैसे काम करता है पूरा डिटेल के साथ में। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो दोस्तों जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आज हम इस वीडियो पर बनाने वाले हैं दोस्तों कि अगर थर्मोस्टेट वाल निकाल दें स्वराज का, तो कौन सा लाइन हमें बंद करना होता है दोस्तों। ये ज़रूरी होता है, नहीं बंद करेंगे तो दिक्कत होगा और भी गाड़ी हमारा गर्म होने लगेगा दोस्तों। तो गर्मियों में निकाला जाता है दोस्तों, या तो ख़राब होता है तब भी वो ट्रैक्टर ओवरहीट होता है। तो हमें अगर निकालें तो कौन सा लाइन बंद करना होता है दोस्तों, तो यही आज हम वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अभी हम दिखाने वाले हैं कि हमारे पास में स्वराज का एल्बो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वराज 44 या 855 में ये लगता है, आप देखेंगे दोस्तों। मैं पेड़ के नीचे वीडियो बना रहा हूँ, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग समझ सकते हैं। जून का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, इसीलिए हमने पेड़ के नीचे आए हैं, बैठे हैं और यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए स्वराज का, यहाँ पर स्वराज 44 855 74 डिग्री का आता है दोस्तों, स्वराज कंपनी का। तो हमने नया लगाया था एक गाड़ी में, तो ये पुराना हमारे पास में था। इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि वाल निकाले तो कौन सा लाइन बंद करने वाले हैं दोस्तों, आपको यही वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही खोल दिया था, यहाँ पे आप देखिए हेड से जो कनेक्शन आता है, आप देखेंगे दोस्तों हेड से कनेक्शन आता है और ये रेडी वाटर में जाता है और नीचे वाटर पम्प में लगा रहता है, वाटर पम्प का जो एल्बो होता है। तो हम निकालेंगे तो कौन सा हमें बंद करना है दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भैया फटाफट लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने खोल दिया, पहले ही खोले रखे थे हम। तो यहाँ पे हमने खोल दिया, यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल लगा रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए। तो दोस्तों इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए पूरा खोखलू हो गया दोस्तों। तो कौन सा लाइन हमें, जिससे किसान एक मकैनिक भाई निकालता है तो इसको गलत करता है, निकाल रहे हैं तो इसको नया लगा दें तो ठीक है, जैसे निकाल भी दिया अगर नहीं ला पाए उस वक्त, तो कौन सा लाइन हमें बंद करना है वो भी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे निकाला ऐसे फेंक दिया ऐसे नहीं होता है, तो हमें कौन सा लाइन बंद करना हो ये भी देखिए दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों जब तक अभी ये बताएंगे कि जब तक ये हमारा वाल नहीं खुलता है तो कौन सा सप्लाई चालू रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे आप देखिए और इसमें हम फिट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जब ऐसे फिट रहता है वाल लगा रहता है तो जब तक खुलता नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जगह खुला रहता है, इसके बीच में दिख रहा होगा, यहाँ पर आप स्प्रिंग पर देख सकते हैं, स्प्रिंग पर यहाँ पे इसका ये लाइन और ये लाइन चालू रहता है दोस्तों। ये वाल रेडी वाटर का जो है वो मुँह को बंद कर रखता है थर्मोस्टेट वाल। तो जब तक हमारा टेम्परेचर 72 डिग्री तक नहीं जाएगा, 80 या 82 डिग्री तक, जब तक ये पानी को यानी थर्मोस्टेट वाल बंद रहता है और यहाँ से सप्लाई वाटर पम्प वही चालू रहता है दोस्तों, तब ओवर हीट होता है। तो खुलता है जब टेम्परेचर पर, तब यहाँ पर ये लाइन जो होता है, ये वाला टिक्की आपको दिखाएँगे दोस्तों, ये टिक्की यहाँ पे इसको नीचे वाले को लॉक कर देता है। तब यहाँ पे जब सप्लाई खुलता है तब इसमें गर्म पानी इसमें रेडी वाटर में जाता है, इसमें इस तरफ से यहाँ पे लॉक हो जाता है नीचे। तो जब भाई लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं दोस्तों, तो ऐसे लगा देते हैं, इसे बांध के कुछ इस तरीके से बांध के लगा दिया। अब यही वाला पानी, गर्म वाला जो पानी होता है बॉडी का, इसी के अंदर आता है और जाता है, तो ट्रैक्टर ओवर हीट लाजमी ही गर्म होने लगेगा दोस्तों, जब वही पानी आएगा। और जब यहाँ पर यही लाइन हमें बंद करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये वाला लाइन हमें बंद कर देना है। जब हम इसको निकाल दें तो ये वाला लाइन ही हमको बंद करना, नीचे जो ऐसे लगता है बॉडी में, तो नीचे जो टुकड़ा लगा रहता है वाटर पंप पे, तो इसको निकाल, इसको यानी इसको बंद कर देना चाहिए कुछ कपड़ा वगैरह से, ऐसे कुछ इस तरीके से बंद कर दें। हम तो ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसे पन्नी वगैरह लगा दें पाइप के अंदर घुसा कर, ऐसे कुछ इस तरीके बंद कर देंगे, तब जो नीचे से वाटर पम्प खींचेगा वो ब्लॉक में जाएगा हेड के द्वारा से, इसे रेडी वाटर में चलाएगा दोस्तों। तो इतना ही करना रहता है दोस्तों, इसको निकालें तो इसको बंद कर दिया करें ये वाला नीचे वाला लाइन, तब हमारा ये जो नहीं, अगर नहीं बंद करेंगे तो यही पानी इसमें जाएगा, तो और हमारा ट्रैक्टर गर्म होने लगेगा। तो दोस्तों अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा महिंद्रा का कैसे वाल काम करता है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं कैसे वो काम करता है, पूरे डिटेल के साथ में वीडियो बनाया है। और दोस्तों ट्रैक्टर भी आया तो हम भी बताएँगे कैसे ही काम करता है पूरा, हम इसका भी वीडियो बनाएँगे। तो आपको एक सब ट्रैक्टर का सेम होता है, कभी टेम्परेचर वो डिग्री अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, हमने बताया कौन सा लाइन हमें बंद करना है, अगर ऐसे ट्रैक्टर खड़ा रहता है और इसको लाइन को बंद कर देना है, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से हमको बंद करना है। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।